शहर से लगे ग्राम बेला में एक किसान के बाड़ी में कुएं में 11 फीट किंग कोबरा गिर गया। कुएं के पानी में चक्कर लगाते हुए तैरकर सांप थक चुका था। इसकी सूचना सर्प मित्र को दी गई, जिन्होंने रेस्क्यू कर सांप को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान छोड़ा। जिले में आए दिन अलग अलग क्षेत्रों से किंग कोबरा दिखने की जानकारी मिलती रहती है। ऐसा ही एक मामला बालकों के निकट ग्राम बेला में देखने को मिला। यहाँ एक किसान के बाड़ी में किंग कोबरे के कुएं में गिर गया। सांप लगातार चक्कर काट कर थक गया था। 11 फीट लंबे सांप को देखने लोगों की भीड़ लग गई। इसकी जानकारी स्नेक रेस्क्यू टीम अध्यक्ष वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को मिले। गांव वालों ने बताया कि किंग कोबरा कुछ दिन पहले गिरा हुआ है। जानकारी के फौरन बाद जितेंद्र सारथी, स्नेक रेस्क्यू टीम जितेंद्र सारथी एवं अविनाश यादव पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। लंबे समय से तैरते रहने के कारण किंग कोबरा सुस्त पड़ गया था। लंबे समय से बांस की मदद से आखिरकार किंग कोबरा को बाहर निकाल लिया गया। थोड़ी देर धूप में रखने के पश्चात सांप को बैग में रखा गया, जिसके बाद उपमंडलाधिकारी के उपस्थिति में सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। इस अवसर पर ईश्वर कुजूर उपवन मंडलाधिकारी उत्तर संजय लड़का वन परिच्छेद अधिकारी बालको परिच्छेद कर्मचारी राजेश भरद्वाज लखन आरमो चेतन ध्रुव रेस्क्यू टीम के देवाशीष रॉय राजू बर्मन सरस सागर अजय विवेक कमलेश नरेश नागेश साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888599 पर।